हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 जो इकोनॉमिक्स का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यहाँ से आपके एग्जाम में निश्चित ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, ताकि दोस्तों आप लोग का एक भी प्रश्न मिस ना हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम है औसत लागत, हस्तांतरण लागत, लोकांकन लागत या फिर मौद्रिक लागत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स ऑफ डिमांड। ठीक है, डिमांड को दोस्तों कौन जो है वह अफेक्ट करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपभोक्ता की आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की इकाई है। तो इसका जो इकाई होता है दोस्तों वह यूटिलस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला है दोस्तों चौथा नंबर, बजट की ढाल होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका हो गया बजट। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो इसी को दोस्तों आपका बजट का ढाल कहा जाता है। ठीक है, जो इसका होता है फ्रेंड्स वह हमेशा ऋणात्मक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों पांचवा नंबर, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? यदि दोस्तों वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसकी कीमत भी बढ़ेगी। ये फ्रेंड्स आपका सिर्फ विलासिता वस्तु के लग्जरियस गुड्स पे होता है। ठीक है, जैसे आपका सोना, चांदी, कार, ये सब। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों छठा नंबर, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा में एक अतिरिक्त इकाई से वृद्धि करने पर उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों आपका सीमांत लागत कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है, पैमाने का प्रतिफल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक उत्पादक 10 खिलौने के बाजार में 5 रुपये प्रति खिलौने की दर से बेचता है, तो उसकी कुल संपत्ति क्या होगी? ठीक है, संप्राप्ति क्या होगी? तो इसका जो सूत्र होता है दोस्तों, टोटल प्राइज इज इक्वल टू प्राइस गुना क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस गुना क्वांटिटी। प्राइस देखिए दोस्तों आपका 5 रुपये है और आपका क्वांटिटी है 10, तो कितना आंसर हो जाएगा 50। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका दोस्तों करेक्ट है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फार्मों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बहुत अधिक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एकाधिकारी द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, लोचदार। ठीक है, लोचदार ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 11वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इल्फेड मार्शल के अनुसार उपयोगिता की माप इकाई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यूटिलस। यूटिलस जो है दोस्तों वह अनुसार उपयोगिता की माप की इकाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 12वां नंबर, निम्न में से किस वक्र आकार का उल्टा यू आकार का होता है? ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, औसत लागत। अगला क्वेश्चन है, कॉप्स डगलस उत्पादन में पैमाने का प्रतिफल का माप होता है। तो ये दोस्तों हमेशा अल्फा प्लस बीटा पे होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु की मांग, ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र क्यू इज इक्वल टू 10-5P है, तो वस्तु की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई पर वस्तु की मांग क्या होगी? देखिए फ्रेंड्स, क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ आपका 10-5P। ठीक है, 10 यहाँ पे हो जाएगा, माइनस पी की जगह पे फ्रेंड्स 2 को रख देंगे। ठीक है, 2 को पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 10-10, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15वां नंबर, एकाधिकार में वस्तु की कीमत पी और सीमांत लागत MC में क्या संबंध होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट है। ठीक है, जो प्राइज मूल होता है दोस्तों वह MC से हमेशा ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को और अच्छे कंटेंट दे सकूँ। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।